सुल्तान ने उनसे कहा कि तुम मेरे वली अहद हो, और हमारे सरदार ने कहा मुझे ताज और तख्त नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है अर्तुक? मुझे क्या मालूम आक्सिस, हमने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा, तो कैसे तबसरा कर सकता हूं? इस मामले में सबसे आसान काम हमारा है, जहां सरदार वहां हम, सोचने के लिए कुछ नहीं। इंसान बाज़ औक़ात पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है, उसका मकसद जितना बड़ा होता है उसकी कुर्बानी भी उतनी बड़ी हो जाती है। ताहम एक लफ्ज तीर की तरह होता है, एक बार कमान से निकल जाए तो वापसी नामुमकिन है। अब तो समझ आ गई होगी। मुझे माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन मेरे मकसद के आगे जो कुर्बानी दे रहा हूं उसकी जरा बराबर भी कोई हैसियत नहीं। मुझे मालूम नहीं था तकदीर ऐसे इम्तिहान लेगी। मुझे बस ये दुख है कि सुल्तान तुरुन यानी मेरे चचा मुझे हैं सिर्फ एक बागी के तौर पर याद करेंगे। वासपुरा का तुम्हारे दिल में जलती हुई है आग, वही आग मुझे भी जलाती है। बेटा तुमने अपनी मां को खो दिया और मैंने अपनी भी। हमने बहुत से करीबी खोए हैं और बहुत से लड़के लड़कियां तुम्हारी तरह मां के बगैर परवान चढ़े। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भाई सुल्तान तुरुल ये नहीं जानता? वासपुरा खान, उसके अंदर भी जलती हुई आग है, वो तुम्हें समझेंगे, लेकिन मैं नहीं जानता कि उनका फैसला क्या होगा। जब वो बुलाएंगे तभी पता चलेगा। इजाजत दीजिए मुझे। मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुर शेर दिल भाइयों, कई मार्कों में मैंने आपके साथ बहुत से काफिरों के सर कलम किए। मेरे जुल्फिकार दिल साथियों, मैंने एक फैसला किया है, इस मकसद के लिए मैं अपनी जान तो दे सकता हूं मगर अपना फैसला बदल नहीं सकता। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि इस मकसद में मेरा साथ दे, ये आपकी मर्जी है। मेरा रास्ता आसान नहीं है, मेरा रास्ता पुल सिरात की तरह कठिन है, अंजाम क्या होगा नहीं जानता। अपने सामने ये सब कुछ देखते हुए भी अपने सर पर कफन बांध कर मैं इस रास्ते पर चल पड़ा। अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको समझूंगा, नाराज नहीं हूंगा मैं। सरदार, हम आपके सिपाही हैं, आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम आपके बगैर बिना सर के धड़े भाई, बिना धड़ के सर कभी देखा है। यह हमारा फैसला है सरदार, हम मर भी जाएं फिर भी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हम सब ने यह फैसला किया है भाई, हम आपके साए में ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और अपने सर तन से जुदा होने तक पीछे नहीं हटेंगे।
अगर ऐसा है तो यहां से जाने का वक्त आ गया है। घोड़े तैयार करें जाके फौरन। सरदार, अता भाई, हम कहां जा रहे हैं? जहां से यह आग भड़की है। चलो चलते हैं।